डियर स्टूडेंट्स, कल तक हमने पढ़ लिया था, आपको बताया गया था कि किस टाइप से हम चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, और उसके हमने तीन कंडीशन देखी थी, एक तो अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ, और एक उसके सरफेस पे। हमने देखा था कि अलग अलग इसके वैल्यू आती है, और उसका हमने ग्राफ देखा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसमें से बहुत बार पूछे जाते हैं। और इसके बाद में हमने जब पढ़ा था, आपको एक टॉपिक और बताया गया था, आपसे एक सवाल भी पूछा था, और लगभग जो आंसर बताए थे, जिन्होंने आंसर बताए हैं वो सारे के सारे सही है, और कुछ बच्चे जो जवाब नहीं दे रहे हैं वो शायद उसको काम कर ही नहीं रहे, इसी वजह से उनको नहीं आ रहा। अब आप देख लीजिए आगे का जो नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है अपना, वो हम अचालक गोले के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट तीन या टॉपिक और रहे हैं इसके, इसके बाद में ये चैप्टर भी जो है वो खत्म हो जाएगा, सेकेंड भी पूरा होने वाला है। फिर हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे थोड़े बहुत, ज्यादा न्यूमेरिकल इसमें से नहीं आएंगे, और जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो हमें देखना है, ठीक है? पॉज करना एक मिनट। इसके बाद देखिए अब जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो है अचालक समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। तो समझिए इसको, एक अचालक गोला लेते हैं, यह हमने एक अचालक गोला ले लिया, और इसके अंदर क्या होगा, आपको बताया था कि चालक और अचालक में फर्क ही होता है कि अचालक गोले के अंदर आवेश अंदर भी मौजूद रहता है, जबकि चालक में जो है आवेश वो पृष्ठ पर ही स्थित रहेगा। तो इसके अंदर जैसे ही आवेश वितरण किया जाता है तो इस पृष्ठ के भीतर भी वो व्यवस्थित रहता है, तो हम इसके अंदर भी आवेश दे देते हैं। ये मैंने इसको चार्ज कर दिया, ठीक है, ये इसका केंद्र हो गया ओ। अब हमें क्या करना है, अब इसकी स्थिति देखिए, वही हम क्या करेंगे, इसके चारों ओर एक देखिए, अब जब आवेश वितरण उसके पृष्ठ के भीतर होने लग जाए तो वहां पर आयतन की बात होने लग जाएगी, और तो ये वितरण जो होगा वो कौन सा वितरण हो जाएगा, आयतनी आवेश वितरण। सपोज कीजिए कि इसके अंदर आवेश मौजूद है क्यू टोटल, ठीक है, तो हम कहेंगे कि संपूर्ण आवेश जो है, संपूर्ण आवेश गोले के भीतर स्थित है, ठीक है, अतः यानी कि इसके अंदर आवेश इसके भीतर भी स्थित रहेगा और पृष्ठ पर भी स्थित हो जाएगा, तो इसके कारण हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अतः कौन सा आवेश वितरण आएगा, आयतनी आवेश वितरण, अतः आयतनी आवेश वितरण से, आयतनी आवेश वितरण से, हम जानते हैं आयतनी आवेश वितरण को हम दर्शाते हैं रो से, क्या होता है, बताया था आपको आवेश आयतन पर, जो एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा होगी, यानी कि क्यू बटा वी, आवेश देखिए क्यू है, आयतन है वी। अब आप जानते हो कि गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है, चार बटा तीन पाई आर क्यू। यदि हम समस्त आवेश की बात करेंगे तो यहाँ पे समेशन लगा देंगे टोटल आवेश के लिए, ठीक है, संपूर्ण आवेश का बीजगणितीय योग। अब देखिए यहाँ से समेशन क्यू का जब मान निकाला जाएगा तो कितना आएगा, वो आ जाएगा रो इंटू चार बटा तीन पाई आर क्यू, इसको मैं नंबर देता हूँ एक समीकरण, यानी सबसे पहले हमारा वही काम है जो हम कंटिन्यूअसली करते आ रहे हैं। हमने आवेश वितरण लिया, कौन सा आवेश वितरण है, तो आप जान सकते हो कि आयतनी आवेश वितरण है, तो इसके बाद चल रही है, इसलिए हमने आयतनी आवेश वितरण ले लिया। अब क्या होगा, इसके चारों ओर जब इसके ऊपर पृष्ठ पे आवेश दिया जाता है, संपूर्ण रूप से इसके पृष्ठ पर आवेश दिया गया, तो इस आवेश वितरण के कारण क्या होगा, इसके चारों ओर एक पृष्ठ का निर्माण होगा जिसकी हम कल्पना करते हैं, उस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं गाउसियन पृष्ठ। इसके चारों ओर एक गाउसियन पृष्ठ का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है, तो इसके चारों ओर एक गाउसियन पृष्ठ का निर्माण हो जाता है। और इस गाउसियन पृष्ठ में देखिए, मान लीजिए कि इस गोले की जो त्रिज्या है वो तो है कैपिटल आर, इसलिए हमने जो यहाँ पे काम में लिया वो इस गोले का जहां पर आवेश दिया गया था वो वितरण काम में लिया था। अब तीन स्थितियों में जैसे हमने कल ज्ञात किया था, वैसे ही तीन कंडीशन के अंदर हम क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, ठीक है, जहां पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, वही तीन कंडीशन हो जाएगी, एक तो पृष्ठ के बाहर, इस पृष्ठ के बाहर, दूसरा इस पृष्ठ पर, और तीसरा पृष्ठ के भीतर। तो इन तीन अलग अलग कंडीशनों में हम क्या करेंगे, अब हम ज्ञात करने वाले हैं क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीन कंडीशन में, तो सबसे पहली स्थिति है, निम्न तीन स्थितियों में, तीन स्थितियां रहेगी जिसके अंदर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हैं। फर्स्ट, जब बिंदु पी कहां पे स्थित हो, गोले के बाहर। दूसरा,
कंडीशन हो जाएगा इसके पृष्ठ पर। तो पहली कंडीशन लेके चल रहा हूँ मैं, जब बिंदु पी गोले के बाहर स्थित हो, ठीक है, डायरेक्ट ही कर रहा हूँ मैं। तीन अलग अलग स्थितियां बताइए, एक चौथी स्थिति भी कई बार पूछी जाती है, सेंटर पर, तो केंद्र पर इसका मान कितने होना वाला है। तो सबसे पहले देखिए, जब बिंदु पी कहां पर स्थित हो, गोले के बाहर स्थित हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए इस कंडीशन में हम जानते हैं कि स्मॉल आर जो है वो बड़ा होगा किससे, कैपिटल आर से, क्योंकि स्मॉल आर दूरी है, ये है कैपिटल आर। तो वही कंडीशन जो हमने चालक में पढ़ी थी कि स्मॉल आर का जो वैल्यू है वो इसमें बड़ा हो जाएगा किससे, कैपिटल आर से। तो अब देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे आवेश, तो हमने देख लिया, अब कौन सा नियम लगाएंगे, गॉस के नियम से, ठीक है, गॉस के नियम से हम जानते हैं फाई ई विद्युत फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, समाकलन में वही ई डॉट डी एस इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, ये बार बार में बताने की आवश्यकता नहीं है। और आप देख सकते हो कि चैप्टर नंबर सेकंड जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो शुरू की तीन डेफिनेशन हमने बताई थी, विद्युत फ्लक्स के बारे में जाना था, आवेश वितरण हमने देखा था और गॉस का नियम देखा था। तो इसी के बेसिस पे जो है वो ये टॉपिक आगे की ओर चल रहे हैं। तो यहां से हमने देख लिया, अब इसको हम समाकलन को क्या लिख सकते हैं, ईडीएस को ईडीएस कोस थीटा, क्योंकि आपको बताया गया था कि इसका जो फैक्टर आने वाला है वो इससे पहले वाले वीडियो देखे उसमें बताया गया था कि फैक्टर कौन सा आता है, कोस थीटा वाला ही घटक आता है, साइन थीटा वाले एक दूसरे को निरस्त करते हैं। समेशन क्यू का मान रखिए, समेशन क्यू का मान अपने पास है रो डॉट 4/3 पाई आर क्यूब और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब क्या होगा, अधिकतम स्थिति देखते हैं, तो मैक्सिमम की जो कंडीशन होगी तो उसमें थीटा की वैल्यू जो रहेगी, क्योंकि सेम फैक्टर आएगा एक ही दिशा में, यानी कि जो क्षेत्रफल का आप जो भी घटक ले रहे हो वो भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लिया जाएगा, ई और डीएस दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर लेंगे। तो थीटा बराबर 0° रहेगा, तो उस कंडीशन में कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, आप जानते हो 1 होती है। तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं समाकलन में ई डी एस इज इक्वल टू रो में 4/3 को आगे लिख रहा हूं, ये एप्सिलॉन नॉट है और साथ में आ रहा है पाई आर क्यूब, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें से ई तो बाहर आ जाएगा, समाकलन किसका हो जाएगा, डीएस का, तो इम्प्लाइज करेंगे इसको ई समाकलन में डीएस इज इक्वल टू 4/3 रो पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब डीएस का जब समाकलन करोगे तो क्या आएगा, एस आ जाएगा, और एस कौन से प्रश्न का क्षेत्रफल है, एस कौन से प्रश्न का क्षेत्रफल होगा, एस इस प्रश्न का क्षेत्रफल होगा इस जहां पर आवेश वितरण के कारण आप नियम लगा रहे हो, ये गॉस का नियम, गॉसियन पृष्ठ पर, तो इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल ई एस बराबर 4/3 रो पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एस का मान रखिए, इसका सरफेस एरिया होता है, गोले का क्षेत्रफल आपको मैंने बता चुका, यहाँ पर आयतन काम में नहीं लेंगे, यहाँ पे एस यानी कि सरफेस एरिया पूछ रहा है, और इसका जो क्षेत्रफल है पृष्ठ है वो क्या होता है 4/r². तो यहाँ पे ई डॉट हम लिख सकते हैं 4π, क्या स्मॉल आर आएगा कैपिटल आर आएगा, तो ध्यान से देखिए पृष्ठ जिसके ऊपर बात हो रही है स्मॉल आर त्रिज्या का है, तो यहाँ लिखेंगे 4π r² 4/3 रो पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या होगा, देखिए 4 से 4 पाई से पाई ये कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली जो रिजल्ट आएगा आपका वो आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ई इज इक्वल टू कितना, रो आर क्यूब, रो कैपिटल आर क्यूब अपॉन ये आर स्क्वायर नीचे चला जाएगा, तो आ रहा है 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये कहां आया, ये पॉइंट पी कहां पर स्थित है, इस गोले के बाहर, तो हम लिखेंगे ई आउटसाइड, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसका जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, रो कैपिटल आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये इसका फर्स्ट हमने कंडीशन निकाल लिया है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कहां पर, जब बिंदु पी गोले के बाहर स्थित होगा। अब सेकंड कंडीशन तो आपको बताइए कि बिंदु पी अब कहां आने वाला है, ये बिंदु पी आ जाएगा इस पृष्ठ पर, तो वो हमें देखना है, ठीक है। तो एक बार हम इसको, आपको ये काम तो करना है ही जो पीडीएफ में उपलब्ध है, उसके बाद में हम देखते हैं कि इसका मान इस पृष्ठ पे आने पर क्या होता है, तो सेकंड कंडीशन देखेंगे, ठीक है, पोस्ट करना। अब देखो यहां से ये आउटसाइड हमने वैल्यू निकाल ली वो कितनी आई, रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, सॉरी ये आया था वैल्यू बाहर के लिए, ठीक है।
अब देखिए, अब जब इस बिंदु P को हम सेकंड कंडीशन ज्ञात करना चाहते हैं, जब बिंदु P कहां पे स्थित हो, पृष्ठ पर, जब बिंदु P पृष्ठ पर स्थित हो, पृष्ठ पर स्थित हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा? ये तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जब बिंदु P को आप बाहर से किसी पृष्ठ पे लाते हैं तो क्या होगा, तो इसमें ये बिंदु P जो है वो यहां से हट करके कहां जाएगा, इस पृष्ठ पे आ जाएगा। ये तो मैंने बिंदु लिख दिया P, इसका दूसरा चित्र हो जाएगा ये सेकंड डायग्राम, ठीक है। तो इस पृष्ठ पे होते क्या होगा, यहां से इसकी रेडियस होगी ये स्मॉल आर। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हो कि स्मॉल आर का मान किसके बराबर हो चुका है, कैपिटल आर के। हम लिखेंगे इस स्थिति में स्मॉल आर की जो वैल्यू रहेगी वो कैपिटल आर के बराबर रहने वाली है, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो हम क्या करते हैं, स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर ही रख देते हैं, तो ये आ जाएगा कहां पर, पृष्ठ पर। तो ई सरफेस इज इक्वल टू रो आर क्यूब। आप ध्यान रखना कि स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिखना है, न कि आर की जगह स्मॉल आर। वैसे बराबर है दोनों फैक्टर, लेकिन हम डिस्टेंस पे यहाँ पे देखना चाहते हैं कि स्मॉल आर की कंडीशन को हमने बदल रहे हैं, तो इसलिए यूज करेंगे तो रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल आर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, कैपिटल आर का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर कटेगा और कितना बचेगा, एक आर। तो आपके पास जो सरफेस का आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये इसकी सेकंड कंडीशन, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा जो है वो पॉइंट है, आपको समझ में आया होगा, आई होप इतना कोई टफ काम नहीं है। लेकिन अब जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें थर्ड पॉइंट आता है, वो आता है इनसाइड। आप समझिए इस इनसाइड की वजह से बहुत सारे सवाल जो है ना एग्जाम में वो इनसाइड पे आएंगे, और यही सवाल जब आपसे पूछा जाएगा कि इनसाइड का जब यूज हम आगे जब विभव के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपसे एक बार ये पूछा जाएगा कि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना था, सरफेस गोले के इसके जो अचालक गोला है उसके भीतर कितना मान था। तो यहां से अब मोस्ट इम्पोर्टेंट केस स्टार्ट होने वाला है इसका थर्ड, वो क्या है, इसके भीतर, जो इन सबसे डिफरेंट रहेगा। तो समझिए कैसे रहने वाला है, वैसे प्रोसीजर तो सेम चलेगी लेकिन जो तरीका होगा वो हम कैसे निकालना है वो आप इसको समझेंगे, ठीक है, रोकना है। थर्ड कंडीशन है इसकी, गोले के भीतर जब बिंदु P जो है वो बिंदु P कहां पर स्थित हो, गोले के भीतर। तो आइए इसको समझते हैं अब किस टाइप से होगा। तो देखिए पहले हम कंडीशन बात करते हैं, हमने गोला लिया था, एक गोला ले लिया था अचालक, ठीक है, ये गोला लिया था हमने अचालक गोला, जिसकी रेडियस हमने मानी थी ये इसका केंद्र है, और इसकी त्रिज्या हमने मानी थी कैपिटल आर, जिसके अंदर आवेश जो था वो संपूर्ण रूप से वितरित किया गया था। अब यहीं से इस खेल को हमें दोबारा स्टार्ट करना होगा वापस से, कि कैसे ये वैल्यू हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ज्यादा कोई टफ काम नहीं है, लेकिन स्थिति को हमें समझना है और कैसे ज्ञात करते हैं वो समझिए। तो अब क्या करते हैं, इसके भीतर लेना एक बिंदु P। तो मान लीजिए कि मैंने एक बिंदु P जो है मैं यहाँ ले लेता हूँ इसके भीतर, तो इसके चारों ओर एक पृष्ठ बनाना पड़ेगा, और कैसा पृष्ठ होगा, वो गाउसियन पृष्ठ, ठीक है। तो मैं इसके भीतर एक गाउसियन पृष्ठ बना रहा हूँ गोलाकार आकृति का, आई होप आपको दिख रहा होगा इसमें साफ ढंग से। तो ये हमने एक स्मॉल आर त्रिज्या, ये जो बिंदु P है वो गोले के भीतर ली, और इसकी कंडीशन के लिए हम त्रिज्या को हम क्या मान के चल रहे हैं, तो आपको भी पता है स्मॉल आर लेके चल रहे हैं। तो थर्ड कंडीशन हम ले रहे हैं जब बिंदु P कहां पर स्थित हो, गोले के भीतर। तो इस गोले के भीतर हमने ले लिया, बड़े वाला गोला है उसकी त्रिज्या तो है कैपिटल R, उतनी की उतनी रहेगी, बस बिंदु P है उसको हम क्या कर रहे हैं, बाहर से पहले पृष्ठ पे लाए और पृष्ठ से कहां ला रहे हैं, भीतर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस स्थिति में आप देख पा रहे हो कि स्मॉल आर जो है वो लेस देन हो गया है कैपिटल आर से, ठीक है, पहले तो ग्रेटर देन था फिर बराबर हो गया, अब स्मॉल आर देख सकते हो कि इस कैपिटल आर की तुलना में क्या है, कम है। तो स्मॉल आर इज लेस देन इन कंपेयर टू कैपिटल आर, तो ये हमने कर लिया। अब देखिए आवेश वितरण की बात बाद में करेंगे, पहले आप आवेश वितरण यहां देखिए, इस छोटे वाले गोले के भीतर भी आवेश है। यहां पर हमने देखा था कि थर्ड कंडीशन ही चेंज होती है, चालक और में हमने वहां पर सिर्फ आयतनीय आवेश वितरण का काम आता, बाकी सेम ही प्रोसीजर अपने अपना है, बस खाली वहां पर फर्क ये दिखने को मिलेगा कि यहां पर चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पर आवेश उपस्थित नहीं होता, और यहां पर क्या मौजूद है, आवेश उपस्थित है, इसलिए इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो अब समझते हैं क्या होता है, तो यहां से हम देखेंगे कि कितना इसका वैल्यू आने वाला है। तो आप देखो आवेश वितरण, छोटा वाला जो गोला है
स्मॉल आर त्रिज्या के गोले पर आवेश, ठीक है। ये हमने गोला इसलिए बनाया क्योंकि इसके लिए ये तो गोला बन गया, लेकिन इसके लिए जो गॉसियन ब्रश की तरह काम कर सकता है वो बड़ा वाला ब्रश भी जो है उस टाइप से काम करेगा। तो इस पर हम लिखेंगे कि स्मॉल आर त्रिज्या के गोले पर आवेश जो है वो समान रूप से वितरित है, ठीक है, समान रूप से वितरित है। तो कौन सा आवेश वितरण आएगा? आयतनी आवेश वितरण। अतः आयतनी आवेश वितरण से हम कह सकते हैं कि रो इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन क्यू अपॉन वी, समेशन क्यू अपॉन वी। तो यहां से समेशन क्यू अपॉन क्या जाएगा, वी। लेकिन आप देखिए कि क्या सेम ही होगा आवेश, हमने यहां पर भी पहले छोटे वाले गोले पे हम मान के चल रहे थे क्यू लिया था और यहां पर भी हम ये मानेंगे, तो ये तो है नहीं। आप देख सकते हो कि यहां पर आवेश एक्स्ट्रा ही है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, मैं से लिख देता हूं समेशन क्यू डैश, चलेगा यहां से। तो यहां से आप देख सकते हो कि वी का मान नकी है, तो समेशन क्यू डैश तो है ही, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा कि सारा आवेश इसके अंदर तो हम मान लेते हैं क्यू डैश है और इसके अंदर मान लीजिए आप कैपिटल क्यू है पूरा, इससे तो ज्यादा ही है इसलिए हमने क्यू डैश मान लिया। वी का मान, अब आयतन आप बताइए कौन सा आयतन काम मिलोगे, आयतन यहाँ पे कौन सा काम में आएगा, आवेश जहां पर वितरित किया जा रहा है छोटे वाले गोले पर। तो आप देखिए छोटे वाले गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब आएगा, सीधा सा मतलब ये है। तो यहां से हम क्यू डैश निकालेंगे, तो यहां से समेशन क्यू डैश की जो वैल्यू आएगी क्यू डैश इज इक्वल टू कितना जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रो बराबर क्या आ रहा है, समेशन क्यू डैश अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्यू डैश निकालेंगे तो क्यू डैश का मान जो ये नीचे भाग में आ रहा है वो कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो सिंपल सा पॉइंट है, तो रो डॉट 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा, मैं इसको नंबर देता हूँ 3 एक बार, ठीक है। अब देखे शुरू में जब हमने पढ़ा था कि आवेश जो था वो मुख्य रूप से वितरित किया गया था क्यू संपूर्ण गोले पर और वहां पर पहुंच कर लाइट ही गई थी, ओवर हीटिंग हो रही है। और इसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ से समेशन क्यू डैश की जो वैल्यू आ गई अपने पास आ गई। अब देखिए शुरू में एक बार चलें, तो हमने शुरू में आपको बताया था कि जो आयतन आवेश वितरण हमने प्रारंभ में पढ़ा था, तो आपको वहां पे बताया था कि रो की जो वैल्यू थी अपने पास कितनी थी, समेशन क्यू अपॉन क्या लिखा था हमने, 4/3 पाई आर क्यूब लिखा था कैपिटल, ठीक है। ये आप देखिए फर्स्ट जो इक्वेशन था हमारा पहले वो यूज किया था। अब तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस रो की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे तो अपने पास कितना मान आएगा, तो समेशन क्यू डैश इज इक्वल टू कितना जाएगा, समेशन क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब डॉट 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर जो आया अपने पास वो क्या आ गया, समेशन क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये बचा अपने पास। तो नया आवेश वितरण आ चुका है, इसका नंबर देता हूँ 4, ठीक है। बस क्या किया है, शुरू में जो रो का मान लिया था हमने पूरे गोले के लिए, उसके हिसाब से हमने इसका मान निकाल लिया, ये आ गया अपने पास। अब क्या कीजिए, अब ये अपने पास आवेश आ गया संपूर्ण, ठीक है। तो ये करते हैं, पहले आवेश निकाल लेते हैं। अब क्या लगाएंगे यहाँ पे, गॉस के नियम से। तो गॉस के नियम से हम क्या कहेंगे कि विद्युत फ्लक्स का जो मान है फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन क्यू। तो क्यू की जगह यहाँ पर आवेश जो है इस गोले के लिए क्यू डैश है, तो मैं यहाँ लिखूंगा क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट और साथ में समाकलन आता है ई डॉट डीएस का, तो मैं इधर लिख रहा हूँ फाई ई समाकलन में ई डॉट डीएस, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट तो इसका आपको पता है क्या आने वाला है, ई डी एस में तो यहाँ से कोस थीटा वाला फैक्टर आएगा, लेकिन हम क्या करते हैं अधिकतम वाली स्थिति निकालेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा डीएस, ठीक है, बराबर समेशन क्यू, ठीक है। क्यू डैश का मान रखिए, तो ये आ रहा है समेशन क्यू स्मॉल आर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और साथ में क्या आ रहा है कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। इसको मैं नंबर दे देता हूँ फिर से 5 नंबर, ठीक है। अब क्या होगा, बस ईडीएस इस प्रश्न का समाकलन करना आपको,
जहाँ पे आप लगा रहे हो ये गॉस का नियम जहाँ पे लागू किया जा रहा है, तो इस प्रश्न के लिए इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, तो आप देख सकते हैं कितना इसकी वैल्यू आने वाली है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ आपके पास E डॉट S इज इक्वल टू समेशन क्यू आर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यू। ठीक है आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा। सिर्फ हमने यहाँ से रो का मान रखा, फिर समागम किया, गॉस के नियम लगाते ही मैक्सिमम वाली कंडीशन दिख रहा हूँ मैं, ईडीएस कोस थीटा लिखता, फिर अधिकतम स्थिति लेकर के हम ये मान निकाल रहे हैं, सीधा बता दिया, और क्यू डेज की जगह हमने मान रखते हैं ये। ठीक है, और इसके बाद में स्टेप बदलेगी, ज्यादा क्लियर हो गया होगा, कुछ करना बिल्कुल रोकना एक मिनट। ठीक है, इसके बाद में देखिए अब एस जो है इसका सरफेस एरिया कितना है इसके लिए, इस प्रश्न के लिए, तो हमने इस प्रश्न के लिए जब एस का मान रखेंगे तो कितना आएगा, ई गोले का क्षेत्रफल वही 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, लेकिन कौन सा आएगा, इस छोटे वाले गोले का, तो इसका मान कितना हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन क्यू आर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है आर स्क्वायर, यहाँ पे आर क्यू आ रहा है, यहाँ पे एक आर बच जाएगा, और फाइनल रिजल्ट जो आएगा यहाँ से कितना आने वाला है, ई इज इक्वल टू समेशन क्यू डॉट स्मॉल आर, समेशन क्यू डॉट स्मॉल आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्या आ रहा है आर क्यूब। अब मैं इसमें आपका एक जगह ध्यान जो है वो कहाँ लेके जाना चाहता हूँ वो आप समझिए। आप देखिए हमने जब रो की बात करी थी, क्योंकि ये सब मान जो है आप देख सकते हो पहले वाले जितने भी मान थे वो हमने रो के फॉर्म में लिखे थे। अब रो इज इक्वल टू होता क्या है, आप जानते हो समेशन क्यू अपन क्या लिखा था, 4/3 पाई आर क्यूब लिखा था फर्स्ट इक्वेशन देखिए पहले, तो हमने ये लिखा था वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे क्या सेम चल रहा है, तो देखिए यहाँ पे समेशन क्यू भी आ रहा है, 4 पाई भी आ रहा है और आर क्यूब भी आ रहा है। ठीक है, तो समेशन क्यू 4 पाई आर क्यूब ये आ रहा है वैल्यू, तो हम क्या करते हैं इस 3 को पहले भेजते हैं ऊपर, यहाँ से कहाँ चला जाएगा ये ऊपर। अब देखिए यहाँ पे अपने पास टर्म आ गई ये समेशन क्यू 4 पाई, चलो मैं इसको एक काम करता हूँ इसकी बजाय ना यहाँ से लिख देता हूँ आर क्यूब और यहाँ पे ऐसा रहना, ऐसा तो कर ही सकते हैं, बस खाली वैल्यू को इधर उधर किया खाली इतना किया। तो आप देखिए ये समेशन क्यू अपॉन 4 पाई आर क्यूब आ रहा है ना, यहाँ पे भी ये आ रहा है, तो एक्चुअल में बराबर किसके होगा, यदि गुणा में है 3 तो यहाँ से ढाएंगे तो 5 लग जाएगा आर क्यूब, है ना। हमने रो बराबर लिखा था समेशन क्यू 4/3 पाई आर क्यूब, 3 यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है बटे में आ रहा है इसलिए, और ये हमें वैल्यू प्राप्त करनी है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं रो बाई 3। तो इस समीकरण में इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं रो बटा 3, क्यों लिया, क्योंकि अभी तक जो भी फॉर्म आ रही थी वो इस वितरण की फॉर्म में ही आ रही थी, तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा रो स्मॉल आर इसकी जगह 3 एप्सिलॉन नॉट, ये इसका आंसर आएगा, और ये कहाँ आ रहा है इनसाइड। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछूं खाली, ये 3 कंडीशन है और ये ही मान निकालना था हमें, ये इनसाइड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ चुकी है। अब आप देखिए इसके अंदर खाली इतना सा सवाल पूछा जाए, यदि आपको एक सवाल इसमें स्थिति हुई है दी जाती है जब ये बिंदु केंद्र पे स्थित हो, अब बिंदु P है उसको हम केंद्र पे ले जाएं, तो केंद्र पे ले जाएंगे तो केंद्र पे यहाँ पे आ गया बिंदु P, तो यहाँ पे स्मॉल आर बसा गया, स्मॉल आर का कोई मान नहीं होगा, तो जब स्मॉल आर बराबर 0 हो जाएगा, स्मॉल आर बराबर 0 होगा तो आप यहाँ आर की जगह 0 रखिए, तो सेंटर पर जो मान आएगा सेंटर तो उसकी वैल्यू कितनी जाएगी 0, यानी हम कह सकते हैं कि केंद्र पर अचालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा 0 हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका हम ग्राफ देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसका ग्राफ जो है हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए हमने ये चारों कंडीशन आप निकाल लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण निकाली है अचालक गोले के कारण, तो यहाँ से आपको ये देखना है कि ये तीनों चारों स्थितियां हमें प्राप्त करने के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है इसमें वो ग्राफ का होता है, और बहुत बार एग्जाम में सिर्फ ग्राफ ही पूछ दिया जाता है 1 नंबर में, और यहाँ से हम इसका ग्राफ बनाएंगे और क्या होगा तो समझिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप देखें ना लगभग एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा बड़ा 3 नंबर का। अब देखिए सेंटर पर मान निकालते हैं, अब देखिए इसका ग्राफ यदि हमने बनाया, ये देखो मैंने इनसाइड निकाला था रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन तो लास्ट वैल्यू आई थी अपनी, उसको देख लेना थे हमने 4 पाई आर स्क्वायर और ऊपर क्या था उसकी जगह हमने ये रो अपॉन 3 लिखा था। ठीक है, तो आर अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा, सरफेस भी आया हुआ है, ये आउटसाइड है और ये सेंटर पे, तो ग्राफ बनाते हैं इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ। मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्राफ है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है, तो
यहाँ पर आर के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो ग्राफ खींचेंगे तो क्या आएगा, तो समझिए सेंटर पे देखिए, सेंटर पे दूरी पे डिपेंड करता है क्या, नहीं करता, तो यहाँ पर हम देखेंगे जीरो। ठीक है, हम बात करेंगे सेंटर से चल रहे तो सेंटर से बाद में क्या आएगा, पहले केंद्र से अंदर की ओर हिस्सा आता है, फिर सरफेस आता है, फिर बाहर चलते हैं। तो अब इनसाइड की बात होगी, तो इनसाइड देखिए, ये रहा इनसाइड, क्या स्मॉल आर पे डिपेंड करता है, तो आप देख सकते हो कि इनसाइड जो है वो आर की क्या है, समानुपाती है। तो जैसे जैसे मतलब विद्युत क्षेत्र का आर का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान भी बढ़ता जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि इनसाइड समानुपाती क्या है, आर की। इसके बाद भी देखिए क्या सरफेस पे डिपेंड करता है स्मॉल आर पर, तो कहीं पर भी कोई स्मॉल आर की नहीं आ रही, इसका मतलब यहाँ पर स्मॉल आर पर क्या हो जाता है, ये कॉन्स्टेंट। तो ये ई सरफेस है, ठीक है, जहां पर स्मॉल आर इज इक्वल टू किसके बराबर है, कैपिटल आर के, यहाँ पर स्मॉल आर पर डिपेंड नहीं करता। और आउटसाइड देखिए, ये आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि ई आउटसाइड में क्या देख रहे हो, व्युत्क्रमानुपाती है किसके, आर स्क्वायर के। तो यानी कि आर का मान जब बढ़ाओगे ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, इसलिए मान जब डिग्री होगा तो शायद से डिग्री ज्यादा चला जाएगा, और ये ही इसका ग्राफ आएगा कि ई आउटसाइड व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर, ये इसका ग्राफ है विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ ग्राफ। तो ये अचालक गोले के लिए इस प्रकार से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य संबंध ज्ञात करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और तो ऐसे टॉपिक जो है चालक अचालक, इनके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा इनको रिवाइज कीजिए, तभी आपको इनके बारे में अच्छे से समझ में आएगा। और जो लड़के नहीं पढ़ रहे वो ध्यान दें यहाँ पर, कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जो है वो पूरी तरीके से इस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो आगे जा करके ये वापस नहीं समझाया जाएगा, नहीं दोबारा रिपीट किया जाने वाला है। तो आप समझ लीजिए कि आपको यहीं से पढ़ना है, तो ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट नहीं पहुँच पा रहे नहीं पढ़ रहे उनको कृपया आप बताइए, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ठीक है उनको बताइए कि यहाँ तक अपना जो कोर्स है वो पूरा होने जा रहा है, दूसरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो आप देख लीजिए कि टोटल 17 चैप्टर है, उसमें से सेकंड चैप्टर जो है वो जल्दी ही पूरा हो जाएगा, एक या दो दिन के अंदर अपना ये चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपसे केवल एक सवाल मैं पूछूंगा कि यहाँ पर आपको एक जवाब दीजिएगा कि क्या, यहाँ से हम देखते हैं एक सवाल का आंसर आपको जो है वो सीधा सीधा देना है, और ये बताना कि किस प्रकार से स्थिति घटित होती है। आपसे बोला जाए कि एक चालक है और एक अचालक है, ठीक है, एक चालक गोले में और एक अचालक गोले में क्या डिफरेंस होता है, मुख्य डिफरेंस आपको एक डिफरेंस बताना है जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल रखता हो, कि चालक और अचालक में मुख्यतः डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, और इसका जवाब आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है, इसका आंसर आपको अपनी नोटबुक में नहीं लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।